स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्र जप की शक्ति। आज मंत्र विषय को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मंत्र के विषय को अनेकों बार पहले भी हम अनेकों कार्यक्रमों में ले चुके हैं। आज मात्र यहां मंत्र जप की चर्चा है, क्योंकि मंत्र जब जपा जाता है तो वो मंत्र से आगे चला जाता है। जप शब्द का अर्थ है, अभिप्राय है, स्पष्ट रूप से मन ही मन कहना, अपने ही भीतर अपने ही मन में कोई शब्द स्पष्ट रूप से कहना, साफ साफ कहना, इसे मंत्र जप कहा जाता है। और जप शब्द पर आधारित है, बिना शब्द के जप हो नहीं सकता। इसके थोड़े से विज्ञान में जाना आवश्यक है, क्योंकि यहां सृजन के माध्यम से हम विभिन्न तथ्यों का स्पष्टीकरण आधुनिक विज्ञान अर्थात भौतिक विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से करते हैं। जप शब्द के पीछे जो अभिप्राय है उसमें शब्द महत्वपूर्ण है। और मेरे ऋषि कहा करते थे कि मनुष्य के पास जितनी भी इंद्रियां हैं उन सभी इंद्रियों में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली और अति वेग पूरित है यह मन। और मन मूलतः तीन प्रकार के कार्य करता है। पहला स्मृति, दूसरा कल्पना, तीसरा चिंतन। द माइंड हैज गॉट थ्री मेजर असाइनमेंट्स टू डिस्पेंस, नेमली इमेजिनेशन, कॉन्टेम्पलेशन एंड मेमोरी। स्मृति, कल्पना और चिंतन, ये तीनों मन के मूल कार्य हैं। इन्हीं तीनों के माध्यम से मन अपनी सारी लीला रचता है। और ये तीनों कार्य बिना शब्द की सेवा के हो नहीं सकते। हमारा विषय क्या है? जप। और हमने क्या कहा? जप शब्द पर आधारित है। फिर आगे क्या कहा? कि हमारे पास एक मन है, उस मन के तीन मूलतः कार्य हैं, स्मृति, कल्पना और चिंतन। और ये तीनों कार्य शब्द के बिना हो नहीं सकते। विषय छूटे नहीं, इसलिए बार बार दोहराया गया, क्योंकि हम पटरी से हटेंगे नहीं। नाना प्रकार के सत्य समझते हुए मूल विषय पर ही टिके रहना है, हटना नहीं है। और शब्द के विषय में कहा गया, शब्द दो प्रकार का होता है, व्यक्त अव्यक्त। व्यक्त माने मैंने बोला, आपने सुना। अव्यक्त माने हम सुन पाए ना पाए, लेकिन वो शब्द का अस्तित्व है, जिसे हम अल्ट्रासोनिक कहते हैं, अल्ट्रा साउंड कहते हैं। कहा जाता है ना कि बिल्ली, कुत्ता, खरगोश, कछुआ मनुष्य के अनुपात में अनेकों गुना अधिक शब्दों का श्रवण कर सकते हैं। वो कौन से शब्द हैं जो हम नहीं सुन पाते? वो सुनते हैं, वो अल्ट्रासोनिक हैं, अल्ट्रासाउंड्स हैं, जो इतने सूक्ष्म हैं कि मनुष्य के पास उसके कर्ण में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उन शब्दों को सुन सके। और शब्द जितना सूक्ष्म होता है उतना ही ज्यादा शक्तिशाली भी होता है। आजकल ध्वनि के साथ पथरी तोड़ी जाती है, वर्षों हो गए तोड़ते हुए। आजकल ध्वनि के साथ मैंने सुना है कि कई प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां काम में आ रही हैं, कई प्रकार की शल्य चिकित्सा ध्वनि से हो रही है। वो कौन सी ध्वनि? जो कानों को सुनाई नहीं पड़ती,
लेकिन इतनी शक्तिशाली है कि प्रभाव दिखाती है। अल्ट्रासाउंड आए दिन लोग करा लेते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि चित्र लाया कौन, भीतर के अंग अवयवों का दर्शन कराया किसने, ध्वनि ने, और ऐसी ध्वनि जो कानों को सुनाई नहीं पड़ती।